जी दोस्तों, आज हम बनाएंगे आटा पास्ता जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी, और बनाना बहुत आसान है और बहुत कम चीज़ों के साथ तुरंत बनकर तैयार हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू, मेरे कुकिंग चैनल अंजूस किचन ढाबा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आटा पास्ता बनाने के लिए 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 छोटा चम्मच नमक। अब इसे मिक्स करके हम इस तरीके से इसका डो लगा लेंगे। आटा जैसे हम रोटी बनाने के लिए लगाते हैं, बस उससे थोड़ा सख्त होना चाहिए। ये देखिए, जो रोटी के लिए हम लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सख्त मैंने लगाया है इसे। अब इसकी हम लोइयां काट लेंगे। इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, बस वैसे ही लोई बनाकर हमें इसे रोटी की तरह बेलना होता है। ये देखिए, इस तरीके से हम कर लेंगे और सूखा आटा इसमें लगा करके फिर हम इसको बेलेंगे। जैसे रोटी बेलते हैं ना, बस वैसे ही हमें रोटी बनाना है, समझ लीजिए गोल, उतना ही पतला, बहुत मोटा भी हमें नहीं बनाना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं, अगर आप बहुत पतली रोटी बनाते हैं तो थोड़ी सी आप मोटी से बेलना। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए, एक ग्लास लिया है मैंने, ये काफ़ी शार्प होता है, तो इसी से हम इसको गोल गोल कट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से कट कर लेंगे, तो इससे क्या होता है, परफेक्ट शेप में हमें गोल गोल जो हमें चाहिए हैं वो पास्ता निकल आएंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको काट ले रही हूँ, मेरे 4 ही कट पा रहे हैं, तो मैंने 4 सही शेप के काट लिए हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा निकल जा रहा है, इसे फिर से हम बेल कर इसका फिर से हम जो है इस्तेमाल करेंगे पास्ता बनाने के लिए। ये देखिए, अब आपको इसको इस तरीके से शेप देना है, इधर से फोल्ड करिए, फिर इधर से, फिर दोनों तरफ से उंगली रख कर इस तरीके से दबा कर इसको, बस इस तरह से ये चिपक जाएगा। इस तरीके का शेप चाहिए, उतना परफेक्ट तो वो नहीं बना है। चलिए मैं दूसरा कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये देखिए जी, ये परफेक्ट बना है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरीके से आपको बनाना है, सब जो जितने भी पास्ता हैं हम इस तरीके से बेल कर गोल गोल कट करेंगे और ऐसे शेप में सब बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, सारा मैंने बना लिया है, इस तरीके का शेप दिया है सबको, ऐसे ही आप भी दे देना। अब यहाँ पर मैंने पैन लिया, 3 ग्लास पानी मैंने पैन में डाल दिया है, छोड़ दूँगी, जब पूरा उबाल आएगा तब हम इसमें पास्ता डालेंगे। ये मैंने लीड ऊपर से डाल दिया है। ये देखिए, उबाल आ गया है पानी में, इस तरीके से उबलते हुए पानी में हमें पास्ता डाल देना है। और खुले में ही हमें इसे उबालना है। 1 छोटा चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है, इससे पास्ता चिपकते नहीं हैं एक दूसरे से और खिले खिले अच्छे होते हैं। अब बस इसे ढक्कन हटाकर ही हमें 5 से 6 मिनट फुल फ्लेम पर इसे उबालना है। ये देखिए, फुल फ्लेम पर मैंने इसे 5-6 मिनट उबाल दिया है, पास्ता मेरा रेडी हो गया है उबल कर। अब मैं इसे गैस को बंद कर दूंगी। अब इसे जो है छन्नी में डालकर ऊपर से ठंडे पानी से धुल लूंगी। 1 प्याज और 1 टमाटर लिया है, जिसे बारीक चॉप कर लिया है मैंने। पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2 चम्मच ऑयल में बन जाता है। चॉप्ड किया हुआ अनियन इसमें डाल देंगे, ऑयल मेरा गर्म हो गया था, मैंने अनियन डाल दिया है। अनियन को 1 से 2 मिनट भुनेंगे, इसमें अनियन को बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं होती है, 1-2 मिनट ही हम भुनेंगे इसको। गैस मैंने मीडियम कर दिया है। 1/2 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें लहसुन और प्याज अदरक, इनको बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसे हम 1-2 मिनट के लिए ही भुनेंगे। फिर टमाटर डाल देंगे, जो मैंने चॉप करके रखा था वो टमाटर इसमें डाल देंगे। इसे भी बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो है 1-2 मिनट ही हमें इसे पकाना है।
ये देखिए मैंने थोड़ा पानी ले लिया है और उसमें मैगी मसाला 1 बड़ा चम्मच, लगभग जो 5 रुपये वाला पैकेट आता है ना वो 1.5 पैकेट आप मान लो, हाँ उतना आपको मैगी मसाला इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से आप मैगी मसाले को पानी में डालकर इस तरीके से जब टमाटर हल्का 1-2 मिनट भुन जाएगा फिर हम इसे डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है और बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है ये नाश्ता। और ये तो आटे का है तो समझ लीजिए इसे बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरीके से आप मैगी मसाला डाल देना और इसे ज़्यादा देर नहीं 1-2 मिनट पकाना है। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर सेजवान चटनी का इस्तेमाल किया है, आप भी जो है सेजवान चटनी ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से सबको मिक्स करते हुए जो है मीडियम फ्लेम पे हम भुनेंगे। इसे बहुत भुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस डालने के बाद 1-2 मिनट हम इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे इसे। ये देखिए पास्ता हमारा, मैंने ठंडे पानी से ऊपर से इसको बहुत अच्छे से वॉश कर दिया था, बिल्कुल अलग अलग देख रहे हैं ना पास्ता कितने अच्छे से हो गए हैं, बिल्कुल चिपके हुए नहीं हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें डालकर। दोस्तों आप इसे बनाना, और सच बता रही हूँ अगर आपको अच्छा लगे ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको पास्ता कैसा लगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके जो है मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये देखिए पास्ता बनकर रेडी हो गया है, देख के ही समझ में आ रहा ना पास्ता बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा लगता है, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना। इसे बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, पास्ता डालने के बाद हम इसे 2-3 मिनट इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है, ये भी डालने से बहुत अच्छा लगता है, हरा धनिया डाल दीजिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस पास्ते में। तो ये लीजिए हमारा जो है पास्ता बनकर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। गैस मैंने बंद कर दिया है, देख रहे हैं ना गर्मा गर्म पास्ता बनकर तैयार है, बिल्कुल हेल्दी आटा का पास्ता है, बहुत अच्छा। ये लीजिए गर्मा गर्म मैं सर्व कर रही हूँ, ये लीजिए बनाइए आप भी आटे का पास्ता और बताइए प्लीज़ मुझे कमेंट करके, अगर आप बनाते हैं और आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए बहुत अच्छा आटा का पास्ता आप भी बनाकर तैयार करेंगे तो बनाइए और खाइए और बताइए मुझे कैसा बना है आटे का पास्ता।